नमस्कार दोस्तों, विवेक टी डॉट हिंदी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विवेक कुमार और मेरे पास है आज यहाँ पर ओप्पो का A52 और सैमसंग का A21S। और मैं यहाँ पर करने वाला हूँ दोनों ही फ़ोन का स्पीड टेस्ट। और स्पीड टेस्ट करने से पहले बात कर लेते हैं दोनों ही फ़ोन के हार्डवेयर की। तो हार्डवेयर के लिए चलते हैं दोनों ही फ़ोन के अबाउट फोन सेक्शन में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले UI की बात करें तो A52 में आपको मिल रहा है यहाँ पर कलर OS का लेटेस्ट वर्जन V7.1। वहीं सैमसंग की बात करें तो One UI का लेटेस्ट वर्जन 2.1 आपको यहां पर मिल रहा है। एंड्रॉयड वर्जन की अगर बात करें तो यहां पर दोनों ही फ़ोन में आपको मिल रहा है एंड्रॉयड 10 जो कि लेटेस्ट है। तो यहां पर भी दोनों ही फ़ोन में इनबॉक्स आपको एंड्रॉयड 10 ही मिलेगा। बात करें प्रोसेसर की यहाँ पर तो ओप्पो के A52 में आपको मिल रहा है स्नैपड्रैगन का 665 ऑक्टा कोर प्रोसेसर जो कि वर्क करता है 11 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर, जिसकी 4 कोर हैं 2 GHz Creo 260 गोल्ड की और 4 कोर है 1.8 GHz Creo 260 सिल्वर की। साथ ही एड्रीनो 610 आपको यहाँ पर मिल रहा है GPU और 6 GB की आपको मिल रही है यहाँ पर रैम। वहीं बात करें A21S की तो यहाँ पर आपको मिल रहा है एक्जिनोस का 8 सीरीज का प्रोसेसर 850, ये वर्क करता है 8 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर और इसकी 8 कोर हैं 2 GHz Cortex A55 की। साथ ही Mali G52 आपको यहाँ पर मिल रहा है GPU और 6 GB की रैम यहाँ भी अवेलेबल है। तो हार्डवेयर लगभग सेम सा ही है दोनों ही फ़ोन का, प्रोसेसर में डिफरेंस है। एक में 8 नैनोमीटर का प्रोसेसर है, एक में 11 नैनोमीटर का प्रोसेसर, लेकिन जो कोर हैं वो यहाँ पर 11 नैनोमीटर की ज़्यादा अच्छी हैं। तो दोस्तों स्पीड टेस्ट के लिए मैंने यहाँ पर डाउनलोड कर रखे हैं दोनों ही फ़ोन में ये 11/11 थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, और हम इनको प्ले करेंगे और देखेंगे कौन सा फ़ोन यहाँ पर फास्ट परफॉर्मेंस दिखाता है। और दोस्तों स्पीड टेस्ट स्टार्ट करने से पहले आपको दिखा दूं दोनों ही फ़ोन की रैम, आप देख सकते हैं क्लियर है। बैकग्राउंड पर दोनों में से किसी भी फ़ोन के ऊपर एक भी एप्लीकेशन फ़िलहाल रनिंग में नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं अपना स्पीड टेस्ट। फर्स्ट एप्लीकेशन बबल स्टोरी, और मैंने यहाँ पर टैप कर दिया है बबल स्टोरी पर, और आप देख सकते हैं लोडिंग यहाँ पर चल रही है और ये एप्लीकेशन लगभग दोनों ही फ़ोन में सेम टाइम में लोड हो रहा है। और फाइनली यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों ही फ़ोन में लगभग सेम टाइम में लोड हो चुका है। सेकेंड एप्लीकेशन है हमारा कैंडी क्रश, और मैं यहाँ पर टैप कर रहा हूँ कैंडी क्रश पर, और आप देख सकते हैं लोडिंग यहाँ भी दोनों फ़ोन में स्टार्ट हो गई है। और फाइनली यहाँ पर ये एप्लीकेशन A52 में थोड़ा सा जल्दी लोड हुआ है। नेक्स्ट एप्लीकेशन हमारा हिल क्लेम, और मैंने टैप कर दिया यहाँ पर हिल क्लेम पर। क्विक रिस्पॉन्स A21S का ज़्यादा अच्छा था, लेकिन लोडिंग यहाँ पर जो चल रही है वो A52 में ज़्यादा फास्ट है एज कम्पेयर टू A21S। और एप्लीकेशन भी यहाँ पर ओप्पो के A52 में जल्दी लोड हुआ है एज कम्पेयर टू A21S। नेक्स्ट एप्लीकेशन की बात करें तो स्मार्ट पजल है, शेयर इट हमारा नेक्स्ट एप्लीकेशन, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एप्लीकेशन भी लगभग सेम टाइम में ही दोनों फ़ोन में लोड हुआ है। स्मार्ट पजल नेक्स्ट एप्लीकेशन, और ये यहाँ पर A21S में जल्दी लोड हुआ। नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारा स्मैश इट, और मैं टैप कर रहा हूँ यहाँ पर स्मैश इट पर, और देखते हैं क्या यहाँ पर रिजल्ट देखने के लिए आपको मिलता है। तो ये एप्लीकेशन सेम टाइम में ही लोड हुआ है। नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारा Sniper 3D, और मैं टैप कर रहा हूँ यहाँ पर Sniper 3D पर, और देखते हैं क्या रेस्पॉन्स आपको यहाँ पर मिलता है। फिलहाल दोनों ही फ़ोन में लोडिंग चल रही है, और ये एप्लीकेशन भी ओप्पो के A52 में थोड़ा सा जल्दी लोड हुआ है। नेक्स्ट एप्लीकेशन की बात करें तो सॉलिड स्क्वायर नेक्स्ट एप्लीकेशन, और मैंने यहाँ पर टैप कर दिया है सॉलिड स्क्वायर पर, और लोडिंग दोनों ही फ़ोन में चल रही है, और ये एप्लीकेशन भी यहाँ पर A52 में थोड़ा सा जल्दी लोड हुआ है। नेक्स्ट एप्लीकेशन की बात करें तो नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारा Temple Run 2, और मैंने टैप कर दिया है यहाँ पर Temple Run 2 पर, और लोडिंग हुई दोनों ही फ़ोन में स्टार्ट, और यहाँ पर भी लोडिंग फास्ट चल रही है A52 में, और एप्लीकेशन भी यहाँ पर A52 में ही थोड़ा सा जल्दी लोड हुआ है। नेक्स्ट एप्लीकेशन की बात करें तो एंग्री बर्ड है हमारा नेक्स्ट एप्लीकेशन, और मैंने टैप कर दिया एंग्री बर्ड पर, और देखते हैं यहाँ पर क्या रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर भी लोडिंग चल रही है, और ये एप्लीकेशन भी आप देख सकते हैं दोनों ही फ़ोन में सेम टाइम में लोड हुआ है। नेक्स्ट एप्लीकेशन की बात करें तो ब्लॉक पजल नेक्स्ट एप्लीकेशन, और ये एप्लीकेशन भी सेम टाइम में लोड हुआ है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर लॉन्च करे थे 11 थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, कुछ एक एप्लीकेशन A52 में जल्दी लोड हुए थे, बाकी सारे एप्लीकेशन दोनों ही फ़ोन में लगभग सेम टाइम में ही लोड हुए हैं। जबकि A21S में 8 नैनोमीटर का प्रोसेसर है और 6 GB की रैम है। तो यहाँ पर हम कुछ नेटिव एप्लीकेशन भी ओपन कर लेते हैं, फिर देखेंगे रैम मैनेजमेंट किस फ़ोन की रैम पर कितने एप्लीकेशन बचे हुए हैं। तो अब दोनों ही फ़ोन में यहाँ पर बैकग्राउंड पर हुए हैं 14 एप्लीकेशन, 11 थर्ड पार्टी और 3 नेटिव एप्लीकेशन, और अब देखते हैं रैम मैनेजमेंट किस फ़ोन के बैकग्राउंड पर कितने एप्लीकेशन यहाँ पर बचे हुए हैं।
तो सबसे पहला एप्लीकेशन था हमारा बबल शूटर, और ये आप देख सकते हैं दोनों ही फ़ोन के बैकग्राउंड पर बना हुआ है। नेक्स्ट एप्लीकेशन की बात करें तो नेक्स्ट एप्लीकेशन था हमारा कैंडी क्रश, और कैंडी क्रश भी यहाँ पर दोनों ही फ़ोन के बैकग्राउंड पर बना हुआ है। नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारा हिल क्लेम, और ये भी दोनों ही फ़ोन के बैकग्राउंड पर बना हुआ है। नेक्स्ट एप्लीकेशन की बात करें तो वो है हमारा शेयर इट, और ये भी दोनों ही फ़ोन के बैकग्राउंड पर बना हुआ है। नेक्स्ट एप्लीकेशन हमारा स्मार्ट पज़ल, अभी दोनों ही फ़ोन के बैकग्राउंड पर है। नेक्स्ट एप्लीकेशन स्मैश इट, और आप देख सकते हैं ये भी दोनों ही फ़ोन के बैकग्राउंड पर है। नेक्स्ट एप्लीकेशन यहाँ पर था स्नाइपर 3D, और स्नाइपर 3D भी दोनों ही फ़ोन के बैकग्राउंड पर बना हुआ है। नेक्स्ट एप्लीकेशन की बात करें तो नेक्स्ट एप्लीकेशन है यहाँ पर सॉलिड स्क्वायर, और ये भी दोनों ही फ़ोन के बैकग्राउंड पर बना हुआ है। नेक्स्ट एप्लीकेशन था हमारा टेम्पल रन 2, और ये भी दोनों ही फ़ोन के बैकग्राउंड पर बना हुआ है। नेक्स्ट एप्लीकेशन एंग्री बर्ड, और आप देख सकते हैं ये भी अभी मौजूद है दोनों ही फ़ोन के बैकग्राउंड पर। और लास्ट एप्लीकेशन था हमारा ब्लॉक पज़ल, और ये भी दोनों ही फ़ोन के बैकग्राउंड पर बना हुआ है। तो स्पीड के मामले में A52 थोड़ा सा फास्ट है, लेकिन रैम मैनेजमेंट दोनों ही फ़ोन का कमाल का है। आप दोनों ही फ़ोन से अच्छी मल्टीटास्किंग कर पाएंगे, स्मूथ मल्टीटास्किंग कर पाएंगे, और स्पीड भी दोनों ही फ़ोन की अच्छी खासी है, हालांकि A52 थोड़ा सा फास्ट है। तो ये था दोस्तों हमारा ओप्पो A52 और सैमसंग A21s के बीच स्पीड टेस्ट कंपैरिजन। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, हैव ए नाइस डे।